शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। और आज अपनी शिक्षा के क्रम को आगे बढ़ाता हुआ आगे बात करता हूं वृष लगन की कुंडली की। आज वृष लगन में कौन से ग्रह योग कारक होते हैं और कौन से ग्रह मारक होते हैं, इस बात की विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देता हूं। वृष लगन की कुंडली में जैसा आप देख रहे हैं कि दो नंबर ये पहले खाने में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लगन कुंडली जो है वृष लगन की कुंडली बनी और इसके मालिक बने शुक्र देवता, जिसको हम दानव गुरु भी कहते हैं। वृष लगन की कुंडली में पहले घर का मालिक शुक्र देवता बने और छठे घर के मालिक शुक्र देवता बने। पहला घर आपका सेल्फ का होता है, छठा घर रोग ऋण शत्रु दुर्घटना मुकदमा का होता है, इसका मालिक भी शुक्र देवता स्वयं ही बने। तो इस लगन कुंडली के सबसे पहले योग कारक ग्रह बने शुक्र देवता। शुक्र देवता ने बुध देव को क्या दिया, शुक्र ने बुध देव को धन कुटुंब वाणी का डिपार्टमेंट दे दिया और यहां संतान का डिपार्टमेंट, पेट का डिपार्टमेंट, अनसर्टेन गेन का डिपार्टमेंट दे दिया। तो अगर कोई पोंगा पंडित आपको इस लगन कुंडली में बता दे कि दूसरे घर का मालिक मारक होता है तो वो सबसे बड़ी गलती करता है। इसका मतलब उसे बेसिक का ज्ञान नहीं है, क्योंकि दूसरे घर के मालिक होने के साथ साथ बुध देवता पंचम घर के भी मालिक हैं और पंचम घर में उसकी मूल त्रिकोण राशि आती है जो कि कुंडली का भी मूल त्रिकोण है। तो बुध देवता दूसरे घर का मालिक बना और पांचवें घर का मालिक बना। और अगर इस पे अष्टम टू अष्टम थ्योरी अप्लाई करोगे तो वो एप्लीकेबल नहीं होगी। आठवें घर से आठवां, उससे द्वादश, और ये लग्नेश का अति मित्र है। अगर आपने मित्र शत्रु वाला चार्ट याद करा होगा तो आपको पता होगा कि बुध और शुक्र देवता दोनों आपस में अति मित्र हैं। तो बुध देवता इस लगन कुंडली में शुक्र के बाद दूसरा योग कारक ग्रह बना। तीसरे घर का मालिक बना चंद्रमा देवता, जो कि कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, मेहनत का भाव है, छोटी यात्राओं का भाव है, ये कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। चंद्रमा देवता इस कुंडली में जहां जाएगा उस घर को खराब करेगा, क्योंकि इस लगन कुंडली का मारक ग्रह चंद्रमा देवता है जो तीसरे घर का मालिक। बात करते हैं चौथे घर की। शुक्र देवता ने सूर्य देव को पिता के मान रखते हुए सूर्य देव को चौथे घर का मालिक बनाया। ये घर तो दोस्तों बहुत अच्छा है, धन परिवार कुटुंब, जैसे दूसरा घर आ गया वैसे ही चौथा घर भी बहुत अच्छा बन गया, जो इंसान चाहता है। तीसरा नहीं चाहता लेकिन ये घर चाहता है, क्योंकि ये गाड़ी, सुख सुविधाएं, प्रॉपर्टी, वाहन, माता, ये सारी लग्जरीज का घर है। घर तो बहुत अच्छा दे दिया लेकिन शुक्र देवता के साथ इसकी अति शत्रुता है। इसलिए जैसे मेष लगन की कुंडली में मंगल सम हुआ था, वैसे ही शुक्र देव की कुंडली में सूर्य देवता सम हो गए, चौथे घर के मालिक और लग्नेश के शत्रु। इसलिए इस लगन कुंडली में सूर्य देव को एवरेज स्थान प्राप्त हुआ। यह सातवां घर है कुंडली का। अगर अष्टम टू अष्टम थ्योरी अप्लाई करोगे तो यह इस लगन कुंडली का मारक ग्रह बन जाएगा। कैसे? आठवें घर से द्वादश और लग्नेश का एंटी पार्टी। आठवें घर से द्वादश और लग्नेश का एंटी पार्टी। लग्नेश है दानव गुरु, ये मंगल देवता आते हैं देवताओं में। तो सातवां घर इस लगन कुंडली में अशुभ माना जाएगा, सातवें घर का मालिक इस लगन कुंडली में मारक ग्रह माना जाएगा। उसकी मंगल की दूसरी राशि दी है खर्च भाव, खर्च भाव भी बुरा हुआ। ये अष्टम टू अष्टम थ्योरी के मुताबिक सातवें घर का मालिक भी बुरा हुआ और लग्नेश का उल्टी पार्टी है, तो ये गड़बड़ डिपार्टमेंट दोनों मिले, तो मंगल देवता इस लगन कुंडली में मारक ग्रह गिने जाएंगे। बात करते हैं दर्शकों बृहस्पति देव की। शुक्र देवता ने बृहस्पति को क्या दिया, आठवें घर का मालिक बृहस्पति को बनाया और एकादश घर का मालिक बृहस्पति देव को बनाया।
आठवें घर का मालिक इसलिए बनाया, ये कुंडली का सबसे वर्स्ट हाउस है, कुंडली का सबसे बुरा घर माना जाता है, ये कुंडली में सबसे ऑब्स्टेकल्स वाला हाउस है। ये दानव गुरु ने देव गुरु को वही शत्रुता दिखाते हुए, वही एंटी पार्टी का रोल प्ले करते हुए इसको सबसे बुरा डिपार्टमेंट दे दिया, साथ में लाभ का डिपार्टमेंट दे दिया जो कि छठे से छठा भी है, छठवां घर रोग का रोग से ये छोटा रोग भी है। इसलिए बृहस्पति देवता इस लग्न कुंडली में कभी अच्छा फल नहीं देने वाले, क्योंकि अति मारक ग्रह है इस देव के लिए। ये दानव गुरु कुंडली है और वो देवता है, इसे कभी अच्छा नहीं समझेंगे, उल्टा ही पार्टी के रिजल्ट देंगे, हमेशा बुरे डिपार्टमेंट दे करके मारक ग्रह बन के खराब रिजल्ट देंगे। तो बृहस्पति देव ने इन दोनों डिपार्टमेंट्स के बाद दानव गुरु ने शनि देव को भाग्य का डिपार्टमेंट दे दिया और कर्म का डिपार्टमेंट दे दिया। भाग्य और कर्म का डिपार्टमेंट एक त्रिकोण में जगह दे दी, एक केंद्र में जगह दे दी। त्रिकोण में जगह भी अच्छी, केंद्र में भी जगह अच्छी। इसने अपनी मित्रता निभाते हुए शनिदेव को दोनों अच्छे डिपार्टमेंट दे करके अपनी मित्रता का सबूत दे दिया और शनिदेव को अति योगकारक ग्रह बना दिया। तो बृहस्पति देवता के बाद शनिदेव को मित्रता निभाते हुए योगकारकता का डिपार्टमेंट दिया, ये सदैव अच्छा माना जाएगा। अब बात करते हैं दर्शकों प्लेसमेंट की। अब यही योग कारकता प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली अपने अच्छे या बुरे ग्रहों के रिजल्ट्स का निर्धारण करेगी। अगर शुक्र देवता लगन कुंडली का लॉर्ड यहां उठ के आया बैठा हो तो कभी अच्छा फल नहीं देने वाला, क्योंकि पंचम घर में शुक्र देवता इस कुंडली में नीच के हो जाएंगे, क्योंकि छठे राशि में शुक्रदेव को नीच कंसिडर किया जाता है। वही योगकारक ग्रह अपनी खराब प्लेसमेंट की वजह से इस कुंडली का सबसे बुरा ग्रह बन गया, अपनी दशा अंतरदशा में उस बंदे का बंटा धार कर देगा, मेंटली पीस डिस्टर्ब कर देगा, कभी अच्छे रिजल्ट नहीं देने वाला, स्टमक में प्रॉब्लम दे देगा, अनसर्टेन लॉस दे देगा, यहां दृष्टि डालेगा कभी बड़े भाई बहनों से बननी नहीं है उसकी, सदैव लाभ में कमी रहने वाली है, सदैव इस पैसे की तंगी को वो लेकर के जिंदगी में साथ ही चलता रहेगा, पंजाबी में कहता है घिस घिस करती रहेगी जिंदगी उसकी, कभी अच्छा फल नहीं देने वाला। शुक्रदेव इस कुंडली का अति योगकारक ग्रह है, लेकिन अगर इस कुंडली के अष्टम घर में बैठ जाए वही ग्रह बंटाधार करने वाला हो गया, क्योंकि उसकी प्लेसमेंट गलत हो गई। आप इसको एग्जाम्पल दे के समझ लीजिए, एक साधु अगर ठेके पर चला जाए तो कभी भी उसकी साधुत्व की पूजा नहीं होगी, क्योंकि उसकी जगह गलत है, उसकी प्लेसमेंट गलत है, उसको लोग बुरा ही समझेंगे। उसी तरह शुक्रदेव अगर इस कुंडली में यहां पड़ा होगा तो सदैव बुरा रिजल्ट देगा। शुक्रदेव इस कुंडली में यहां चला जाए, यहां हालांकि वो दिग्बली हो जाता है, इसकी थ्योरीज आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप यहां उसको बुरा मान के चलिए। शुक्रदेव यहां बैठा हो इस कुंडली में, यहां वो उच्च का हो जाता है, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। शुक्रदेव यहां बैठा हो पत्नी सुंदर मिलेगी, शुक्रदेव यहां बैठा हो भाग्य अच्छा हो जाएगा, शुक्रदेव यहां बैठा हो कामकाज के लिए अच्छा, शुक्रदेव यहां बैठा हो प्रॉपर्टी के लिए अच्छा, शुक्रदेव यहां बैठा हो वाणी के लिए अच्छा, लेकिन शुक्रदेव यहां बैठा हो तो कंपटीशन के लिए अच्छा, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम एज के साथ ही बढ़ना ही शुरू कर देगा। ज्यों ज्यों एज बढ़ती चली जाएगी ऑब्स्टेकल्स उसके बढ़ते चले जाएंगे, हाउस ऑफ कम हर चीज उसको लड़ के लेनी पड़ेगी जिंदगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, ग्रह वही है, अपनी प्लेसमेंट की चेंज में आने की वजह से उसके रिजल्ट्स बदल गए। बात करते हैं बुध देवता की। बुध देव लगन में बैठ गए, यहां दो नंबर में बैठे हो तो दिशा बली हो गए। अगर उसमें डिग्री वाइज जरा सा भी बल है, षड बल में उसके जरा सा भी बल है, तो इंसान को बुद्धिमान बना देगा। इंसान पे कपास धन की कभी कमी नहीं आने वाली, संतान सुख से सदा संपन्न रहने वाला है, पेट उसका सदा साउंड रहने वाला है, अनसर्टेन गेन उसके सदा रहने वाले हैं, और वो ज्ञानवान रहने वाला है, क्योंकि लगन में उसको दिशा बल मिलता है, वो दिशा बल उसके लिए अच्छा होता है। यहां दृष्टि डाली सातवें घर पे पत्नी पे, क्योंकि योग कारक ग्रह है, यहां दृष्टि डालेगा तो पत्नी के लिए अच्छा करेगा, पत्नी बुद्धिमान होगी, पत्नी से अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। यहां बुद्ध देव पड़े हो अच्छा हो गया, यहां बुद्ध देव पड़े हो कामकाज के लिए अच्छा हुआ, यहां पिता के लिए अच्छा हो, लेकिन बुद्ध देव यहां पड़े हो यही योग कारक ग्रह आपका बंटाधार कर देगा। पिता से बनने की तो दूर की बात है, खुद की मेंटल पीस कभी स्टेबल नहीं रहने वाली, औलाद से कभी नहीं बनने वाली, बड़े भाइयों से कभी नहीं बनने वाली, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सदा रहने वाली है, परिवार से सदा अलग होने का योग बना ही रहेगा। अपनी दशा अंतर दशा में वो खुद को परिवार से अलग जरूर कर लेगा।
ज्यादा भागदौड़ करने के बाद भी उतना लाभ गेन नहीं कर पाएगा जितना वो किसी और हाउस में कर पाता 6, 8, 12 या तीसरे को छोड़ करके। यहां भी वही मारक स्थिति बन जाएगी। बुध देवता कामकाज में बैठे हों बड़ा अच्छा रहेगा, कामकाज बुद्धि से जुड़ा हुआ हो जाएगा। बुध देव यहां बैठे हों पिता के लिए अच्छा हो गया, बुध देव यहां बैठे हों माता के लिए अच्छा हो गया, बुध देव यहां बैठे हों पत्नी के लिए अच्छा हुआ। बात करते हैं चंद्रमा देवता की, जो कि मारक ग्रह इस कुंडली का, जहां मर्जी बैठ जाए नुकसान, लगन में बैठ जाए उच्च का हो गया चंद्रमा लेकिन फजूल की मेहनत बढ़ा देगा, यहां बैठ जाए चंद्रमा नीच का हो गया सारी जिंदगी पत्नी से कभी नहीं बनने वाली। चंद्रमा देवता जिस घर में भी जाते जाएंगे उस घर का नुकसान करते चले जाएंगे। बात करते हैं बृहस्पति देवता की, बृहस्पति इस कुंडली में जहां मर्जी चले जाएं कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाले, सदैव नुकसान करने वाले, चाहे लगन में ही क्यों ना पड़े। बात करते हैं मंगल देवता की, जहां मर्जी चले जाएं मंगल देवता इस कुंडली में सदैव नुकसान करेंगे। लेकिन दर्शकों ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर शनिदेव भी यहां बैठ जाएं या 6, 8, 12 में चले जाएं या कर्क राशि में आ जाएं, यहां आ जाएं, यहां आ जाएं, वो भी कभी अच्छा फल नहीं देने वाले। और आप अक्सर पंडितों को कहते सुनोगे इस लग्न कुंडली में अति योगकार ग्रह शनिदेव है, जबकि उसकी प्लेसमेंट सारा कुछ डिस्टर्ब कर देगी। शनिदेव की प्लेसमेंट यहां नीच की हुई पड़ी है और आपको किसी पंडित ने नीलम रिकमेंड कर दिया, कहीं का नहीं रहने वाले हो आप, पूरी जिंदगी का सत्यानाश करके रख देगा। फजूल खर्चे, तीसरी दृष्टि, वाणी कुटुंब पे, खाने इस पे, धन पे, हाउस ऑफ कंपटीशन, कोर्ट केस लिटिगेशन पे, पिता पे, हर जगह के नेगेटिव रिजल्ट आपके गले बांध देगा। योग कारक ग्रह सदा योग कारकता के रिजल्ट नहीं देता। शनिदेव यहां बैठे हों उच्च के हो गए, आपको पंडित जी कह देंगे शनिदेव आपके उच्च के हैं बहुत बढ़िया हो गए, लेकिन यहां घर गलत है, ये छठा घर है। अगर उसकी दशा चल रही हो, लाइव एग्जांपल आप देख सकते हो, कभी उस बंदे का प्रोफेशन सेटलमेंट में नहीं आएगा, कभी पिता से नहीं बनने वाली, हमेशा पैसे की तंगी बनी रहेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट सदा वो डिमांड करेगा, कभी पैसे से पूर्ण नहीं होने वाला। शनिदेव यहां पड़े हों कभी पिता से नहीं बनने वाली, हमेशा नेगेटिव रिजल्ट रहेंगे। शनिदेव लगन में ही पड़े हों कामकाज के लिए अच्छा हो गया, भाग्य के लिए अच्छा हो गया, पिता के लिए अच्छा हो गया, पत्नी सुख के लिए अच्छा हो गया, मेहनत के लिए अच्छा हो गया। शनिदेव यहां पड़े हों 11वें घर में, यहां पड़े हों तो अच्छा हो गया। शनिदेव यहां पड़े हों, यहां पड़े हों, यहां पड़े हों, यहां पड़े हों तो कुंडली में कभी भी अच्छे रिजल्ट देने के काबिल नहीं बचेंगे। ये आपको ध्यान देना होगा कि कुंडली में प्लेसमेंट कहाँ है, उसके बाद उसकी योग कारकता और मारकता डिसाइड होगी। ऐसे ही देख करके रतन मत धारण कर लीजिएगा कि त्रिकोण धारण कर लिया, मुसीबत खुद के लिए मोल ले लेंगे आप, पैसे दे करके मोल ले लेंगे मुसीबत और फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। आज जाते जाते टिप ऑफ द डे दे दूं आपको, हमेशा जब भी आप धूप में निकलें सदैव एक गिलास पानी पी के घर से निकलें, आपकी 90% आने वाली बीमारियां उससे टल जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब सूर्य की गर्मी बढ़ती है तो सिर्फ एक ही ग्रह होता है उसको कोप अप करने के लिए, चंद्रमा देवता। एक गिलास ठंडा हो सके, नॉर्मल हो सके, जैसा भी हो सके, पूर्ण एक गिलास 300 ml का पानी पी के निकलें, ना आपकी जल्दी आंखों में प्रॉब्लम आएगी ना स्किन में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि चंद्रमा देवता की रेज को कोप अप करने का रास्ता सिर्फ हमें चंद्रमा देवता ही दे सकता है। सूर्य देवता की अशुभता को, जल को मारना कोई आसान काम नहीं, लेकिन अग्नि को मारना हो तो जल उससे मार सकता है। उससे बचने का रास्ता, अग्नि बुझानी हो तो जल उस पर छिड़क दिया जाए तो अग्नि बुझ जाती है। उसी तरह अगर अग्नि की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में आने वाले दिनों में बढ़ेगी तो घर से जब भी निकलें एक गिलास जल पी के निकलें, मदद करेगा आपको, रिजल्ट देगा, ये शास्त्रों में नियम लिखा हुआ है। इस बात को ध्यान देने योग्य बात है, बाद में पछताने से अलावा, मेडिसिन के अलावा, आप पहले ही इस चीज को अगर अडॉप्ट कर लेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट रहेंगे। इन सब चीजों को ध्यान में रखना है दोस्तों कि पहले ग्रह की साथ में प्लेसमेंट देख लेनी, अगर प्लेसमेंट गलत हुई तो वो कारक ग्रह ही आपके गले का फंदा बनने वाला है। जैसे कहते हैं औलाद नहीं औलाद नहीं, औलाद हुई अगर नलायक निकल गई वही आपको फांसी टांग देगी, वही आपके लिए मुसीबत का कारण बन जाएगी। आज की चर्चा को मैं यही समाप्त करता हुआ आपसे अलविदा लेता हूं।
और मंगल कामना करता हूँ शनिदेव के आगे कि आप पर, आपके सारे परिवार पर शनिदेव सदैव अपनी दया दृष्टि, अपनी कृपा। We'll be right back.